enjoying a lot at Narkanda. Night ride. We want to make some walk. But we have to make a good thing. Go for start in the morning again. कड़ कर रही है कोई गुड मॉर्निंग एट नारकंडा. Today is 1st Feb 24, morning time 8:30 and snow has just started. Snowflakes, I don't know, आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे. तो अब थोड़े से दिखाई दे रहे होंगे. Very nice, beautiful माहौल बन रहा है. गड़गड़ाहट सुनाई दे रही हो गई और अभी दोबारा स्नोफॉल स्टार्ट हो गई. मिलते हैं बाहर स्नो में खेलते हुए और वापसी की ओर. गड्डी स्टार्ट हो जूगी भज लूगी. आई एम डाउटफुल. भरावो थोड़े वास्ते नारकंडा की वीडियो लाइव 1 फरवरी 2024 ये है हमारी हिमाचल की रानी जिप्सी फर्स्ट सेल्फ में स्टार्ट. और अब रमन जी से पूछेंगे. यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता. आई हैव स्टार्टेड इट. पहली सेल्फ से स्टार्ट हुई. कमाल है.
दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल। माइनस टेंपरेचर है, 4 or 5 डिग्री टेंपरेचर है और ये ऑन 1st February 2024 एंड इट जस्ट स्टार्टेड विद इन 5 seconds। यही फर्क है पेट्रोल और डीजल में। yes. अगर डीजल होती तो ये फ्रीज हो जाती। वाह भाई वाह, जिप्सी रानी है, कित्थे कित्थे घुमा देंगी सानू। स्नो स्टॉर्म इज गोइंग ऑन, बहुत ही ज्यादा बर्फ और आंधी तूफान। वेरी नाइस व्यू, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। भाई आज तो सिर्फ जिप्सी जिप्सी हो रही है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पेड़ दिखा क्या हिल रहा है। जो भी मां चार्जिंग कह रही आया जिप्सी मारी है। मैं आ जा बैठा, मैं भी भाई। जिप्सी राइड 4x4 इन हैवी स्नोफॉल। हम उतरे हैं हाथू से नीचे मारकंडा गांव की तरफ, पूरा भरा हुआ। चलो जी आगे नीचे तेनू। हाँ हाँ, और ऊपर चढ़ना है। फोर बाई फोर जिप्सी का नज़ारा, बर्फ को कुछ ना समझते हुए जा रही है। निकलती सारी बर्फ तो नीचे। वाह जी वाह, शर्मा जी गड्डी ड्राइव करते हुए। लो जी नीचे नारकंडा पहुंच गए हाईवे ते। ये हार्डली आधा किलोमीटर भी नहीं है पातू से नीचे। कोई इधर कर मेरे वाला। हाँ अच्छा अच्छा, ये मारकंडा मार्केट अभी खोली नहीं है हैवी स्नोफॉल के कारण। लो जी ओम गणेश शर्मा, जय श्री गणेश, ओम नमः शिवाय, ओम गोर भाई गोर का नज़ारा। ये देखिए नारकंडा बर्फ से सना हुआ। शर्मा रोकना स्पीड ना। पीयूष रेजिडेंसी आ गया है, स्नोफॉल अभी रुकी है।
बुलडोजर लगे हुए हैं। कमाल है यार, शर्मा हम तेरे बधाई देने आज बधाई देती है क्या? ओ नमस्कार, और जिप्सी को कुछ भी पता नहीं चल रहा। कमाल है यार, शर्म है हम तेरे बधाई देने उसे लेके आज बधाई देती है क्या? ओ ऐसे पहली पंप है हमारा है, तेन कष्ट करना पड़ा। कष्टी कर तो आया सारे रास्ते जो ट्राई तक नहीं करी है, वह तो खुलना ही पैना मैं लगता ना। जो चारों टायर चल रहे हैं ना, तेल ड्रास्टिकली नीचे जा रहे हैं। तो जाना ही है, इतों पवा लेंगे पहले पंप तो पाल फिर गर्म ना हो जाए। हम मैं दूजा पाला आई दी जगह कि पैसा था है हूँ तो नॉर्मल पर चला के देखो जो चलती है नहीं। चली नहीं लगता नहीं, चल कोई गल नहीं, उपरी शिमले तक ही चलू की किया हूं तो कुछ नहीं करता पड़ गया पैया नहीं कोई गल नहीं। लो तो ही है भैन चो हम पहनता नहीं पाया कोई गल नहीं। चल फिर लो तो ज्यादा तेल खाँदी है क्यों? तो पहला गेयर ही चलेगा कोई गल नहीं, पंप आऊगा पवा लें तेल की परवाह ना कर इधर कर मेरे वाले मेरे वाले। चल फोर बाई फोर करके रही है, चलो हैवी स्नो फॉल नहीं यार सड़क पे कोई खास वो नहीं है, ऐ बर्फ। शर्मा जी पर मज़ा आ गया, शर्मा जो आती आप होटल बैठे आ मिस कर दो जो एडवेंचर है तो जिप्सी ली है आप ये ऑफ रोडिंग असली कारे फसा ली कोई फायदा नहीं। स्नोफॉल स्टार्टिंग करके गया बुलडोजर ताइयों घट है पे ढेर लगे साइड से, ड्यूटी है इन्होंने भी हाईवे खोल के रखनी है। आके देख ला चौथा जो पैंदा नहीं इस पर पै नहीं सकता क्यों इस पर नहीं पैना अल आराम में कोशिश पहले तो की है रिवर्स पा के ना फिर पैंता चल भी पै जा ये हटता क्यों सला ना ये हम लोच ही है। चल फिर देखी जाऊ हूँ नॉर्मल है सब वो नॉर्मल है। हाँ चल लेंगे नॉर्मल, लो भी नहीं आई भी नहीं ना बस ब्रेक ना लेंगे अजय चारा नाल ना स्किड नहीं करती गड्डी है चारा नाल नहीं स्किड करती देख कर लग गई है तो पिछे ना ब्रेक ना लाई हूँ ब्रेक तो है ही है ब्रेक ना लाई कड़ा लाया बस कोई गल नहीं उही है भैन चो लो ही है है लो तो ही चलूगी है। चल कोई गल नहीं पेट्रोल पंप नियर मी हियर आर द डिस्टेंस फॉर पंप नियर मी विद 3 किलोमीटर्स किन्ने 3 किलोमीटर के बीच डिस्टेंस और नियर है थोड़े पंप की पेट्रोल पंप नियर मी हियर आर द डिस्टेंस फॉर पेट्रोल पंप नियर मी विद 3 किलोमीटर्स गर्म ना आ जाए फिर बाद जो मेरा गाला कटे 1 किलोमीटर 1.8 से आ रहे हैं
भी चल पाता। चार मिनट का राह है, 2 किलोमीटर दस रहे। वाह जी वाह, 4x4 का नज़ारा जिप्सी के अंदर, मज़ा आ गया पंडित जी। मज़ा तो यही है वीरे, स्नोफॉल हो रही है। हाँ, 4x4 लो है ये। स्नोफॉल दोबारा शुरू हो गई है, दोबारा शुरू स्नोफ्लेक्स, और सामने देखें हमारा सफर चल रहा है। नज़ारा तो दोस्तों, स्नोफॉल दोबारा शुरू हो गई, स्नोफॉल दोबारा शुरू स्नोफ्लेक्स, और सामने देखें हमारा नारकंडे का नज़ारा। पत्थर जे ला रखे, कुछ नहीं होता। चलो तू एक और रोकी है ना, रोक अभी लगे, चल इधर बाड़ दे मेरे वाल कर दे, चाड़ दे आ, गड्डी गई हुई। अरे रोक रोक, हाँ किधर वही तो कहने आके अंदर देखी कितने का वो हो, इधर बर्फ आ रही है यार, पेट्रोल फुल खुली है, पानी पहले वो बर्फ झाड़ लेना। आ जा बारी, आ जा चश्मा डाल, सुनो इधर तो बर्फ होता। गुड स्नोफॉल, कल रात पड़ी है, मजा आ गया।
हर तरफ अब यही अफसाना। तो कैसा मौसम रहता है यहाँ पे? मौसम तो सब ऐसा ही रहता था, पर क्या कहें, साल बहुत कम तो बर्फ गिर रही है। पर आज जो पड़ी है, कल रात पड़ी है, मजा आ गया? हाँ अभी तो है। हर तरफ अब यही अफसाना है। भाई अपनी जिप्सी रानी ने हमें काफी आगे पहुंचा दिया है। वाइपर साफ करने वाला है आपके पास? स्नोफॉल है, ओह 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 ज़्यादा। बंद ही कर ला जी। करेटा कितने गई, कितने भी कितने दोस्तों, लो गियर में ही चल रही है अपनी जिप्सी, फर्स्ट गियर में और फोर लो, फोर हाई डाल रहा हूँ, लेकिन उसका स्क्रीन पे सिग्नल नहीं आ रहा। भाई स्वाद आ गया इस काफी एडवेंचर आज हो रहे हैं। आज हम नहीं ऐसे कह सकते भी ऐसी बर्फ च नहीं घूमने। हां आज आ है जिप्सी च नहीं घूमने लोग। देखो दोस्तों, अब हमने फोर व्हील ड्राइव डाल लिया है, व्हील ड्राइव हाई। भाई स्वाद आ गया इस बारी तो असली एडवेंचर अज हो रहे अज आ रहे हुण नहीं असी कह सकते भी असी बर्फ च नहीं घूमे, मजे नहीं ले अज आ है जिप्सी च नहीं घूमे। देखो ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਸਨੋਫਾਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਆ ਹੈ ਸਨੋਫਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਨੋਫਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਵਾਈਪਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਕੋ ਧੁੰਦਲੀ ਸਕਰੀਨ ਦਿਖ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਰੇਟਾ ਰੁਕ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ 4x4 ਰੱਖੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਸ ਸਪੀਡ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰੇ।
हाँ इन्होंने आ प्रॉब्लम इतने स्किड करूँ जिसे हाइट लेनी है इन हॉर्न दे कट लैन दे अपन मोमेंटम बनाना ये सला ज्यादा हवा दिखा रहे बिना स्वेटर तो हाँ इन्हें हाइट तो नहीं लैनी है इस करके थले तो हैगी है ना प्लेन सड़क है स्किड करू गड्डी तो कहीं आप उपर की मूवमेंट बना ला मैंने तेन दसा पत्थर जे पे ने कुछ नहीं होंगे वो तो वधिया ने वे पत्थर थोड़ी ना आने आ साफ पीती हुई गड्डी चल आप कह रहे हैं हम हेल्प लगेगा अपनी चल 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 अपने को वो भी नहीं हैगी अगे ला के देने जो मैं हेल्प इधर ही कर लिया कड़ दे हॉर्न दे दिन लै दे उपर की सज्जे करते करते सज्जे जिमनी आ रही है जिमनी है अपने को बैल्ट ही है फिर ना है नहीं इन्हों को लौंडी है चक्की नहीं ना अपा अच्छा जे चक लेंदे तो और सी आंदा स्टपनी भी चकनी सी स्टपनी केड़ा चक्की है मैं कह रहा देखी जाऊगी मां अपन किसी की हेल्प लई थी याद है हां रख दे अपन किसी की वो सीन थी अबाउट दैट देखो मारुति मारुति है जी इस मामले च जिमनी उन्होंने थोड़ी ज्यादा छोटी कटती है अदरवाइज जिमें फाइव डोरस कार है इट्स नॉट अ बैड कार बस लोगों को डायजेस्ट नहीं हुई एक्चुअली दे आर कंपेयरिंग विद थार जमा ही बच्ची लगती है इवन जिप्सी तो भी छोटी है स्नोफॉल का नज़ारा हल्की हल्की ब्लैक आई शुरू हो गई है लेकिन 4x4 में चमत्कारी लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दूजा गियर भी पा देते ही नारकंडा से वापसी शिमला की ओर और स्नोफॉल हो रही है रुक रही है लेकिन स्नो के बीच में से जैसे गुजर रहे हैं तो मज़ा आ रहा है फोर हाई 4x4 जिप्सी फर्स्ट टाइम मज़ा आ रहा है इतना मज़ा तो लेह लद्दाख में नहीं आया था क्योंकि एक तो गर्मी थी एक टाइम पे रात को दार्चला क्या था वो जगह वहाँ -2-3 हो गया था बट कहाँ था सरचू में रात नाइट से कितनी थी जितनी तो वो भी नाइट ड्राइव थी तो पर स्नोफॉल नहीं हुई -3 पे भी लेकिन यहाँ पे आनंद आ रहा Thank you.
रोक ले यार अपने खास पहने नहीं कट ली शीशे तो इन्नी बहुत है गद्दी कुत्ता बहुत ही मजे अपना स्नो में खेल रहा है कोई ठंड लग रही ओदी फर पूरी ओदी सपोर्ट दे रही है नाल दी अगे सज्जे खप्पे ऐन पूरी स्नो फॉल हो जाएंगे लाट यार सारी जीपां जा थार रही थार पुरानी थार ओ मौके में स्पीड ना जा रही है गड्डियां यार टू टेक स्पीड ये 4x4 है चल फिर तो स्पीड लेना थोड़ी ठीक है मैं बोलूँ दोस्तों एक पेड़ देख लेते पहले ना भी मजा आ गया है ना इससे कोई असर ही नहीं है बर्फ पा जाती है प्लेन हो जाते हैं चारे टायर की ताकत मिल जाती है इधरों की जो फस गई पिछों की चकती इधरों की चकती तो इधरों चकती बिल्कुल बिल्कुल मैं तो तेज भी चला सदा बट मैं कर नहीं रहा पिछे क्यों गड्डी आ रही है कोई गल नहीं आई कनेडा ही है उत्तराखंड ही वही है बदले है भाई भजाई आ रहा है टेंट तो बहुत तगड़ा है अपने को अच्छ कैमरा हिलू बहुत बहुत कमरे है आईसीयू बहुत तगड़ी गड्डी है वीरे कैप्टन ऊपर से नीचे
ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਹਨ ਹਾਂ ਸੇਬ ਹੁਣੀ ਆਊਗਾ ਤੇ ਸੇਬ ਲੱਗਿਆ ਉੱਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੇਬ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਣ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਫਲ ਅੱਛਾ ਆਊਗਾ ਫਰੂਟ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਖੈਰ ਬਰਫ ਮੌਸਮ ਚ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ ਖੇਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਕੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ये मतियाना पहुंच गए हम स्नोफॉल थोड़ी हल्की सी बढ़ गई है नारकंडा से मतियाना तक का सफर स्नोफॉल के अंदर चलो चलो कर लो जी कर लो वाह जी वाह बुलडोजर सफाई कर रहे ने हाँ देख 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 ऐसी थोड़ी हैवी स्नो पार्क तो दोस्तों देखो कितनी स्नोफॉल लाइव स्नो का नज़ारा ठियोग पहुंच गए हैं लाने नहीं बैठ ला लो ज़्यादा चलान हो जाएगा अगर ठियोग पहुंच गए हम मेरे ठियोग की मार्केट बंद पड़ी हुई करो जी स्क्रीन साफ करो इतने हैवी है जी थोड़ी जी मतलब मीडियम है इस तो हैवी होंगी एक हाँ जी वाह प्रॉपर तो है भी स्नोफॉल भरावो थियोग की मार्केट से निकलते हुए आज थियोग में मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखी है शिमला देखी फागू देखी नारकंडा तो बहुत बार देखी बट थियोग में फर्स्ट टाइम
तो जिप्सी के आगे एक और जिप्सी, फागू फागू आई थिंक अब 2 या 3 किलोमीटर ही रह गए हैं। मैं बाहर खड़ा, बर्फ जी कोई खास नहीं सुननी तो मैं सुनी मेरी फोटो खिंची हुई है बड़ी वधिया। टाइम की यार
दोस्तों ये है फागू वैली शिमला के पास। अभी बहुत से अच्छे अच्छे डेस्टिनेशन आएंगे, वाइल्ड फ्लावर आएगा और कुफरी आएगा फागू के बाद। शिमला में मुझे लगता नहीं है स्नोफॉल हो रही होगी, लेकिन यहाँ डेंसली मतलब हैवी स्नोफॉल हो रही है। सड़क तो दिखाई नहीं दे रही, जो कि हमारे होटल में पूरी रात में हुई थी वो अब आधे घंटे में ही यहाँ हो गई। कुफरी में आपका स्वागत। दिन 1 फरवरी 2024। हैवी स्नोफॉल हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। सामने फॉर्चूनर, इनोवा, नोवा को ओवरटेक करते हुए 4x4 जिप्सी, मारुति जिप्सी 2013 मॉडल जिप्सी किंग। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखा रही है। नारकंडा से कंटिन्यूसली स्नोफॉल हो रही है, लेकिन कुफरी में आकर तो दिल खुश हो गया। हाँ, तो स्नोफॉल भी हैवी है। स्नोफॉल हैवी के साथ साथ चारों तरफ वाइट क्रिसमस जैसे होता था। अब आई डोंट नो ग्लोबल वार्मिंग का असर है या क्या है। कभी ये मंजर हमें क्रिसमस और न्यू ईयर के बीच में पक्का दिखाई देता था। और जैसे कि मैंने बताया, टुडे इज 1 फरवरी। और फिर भी कुदरत ने अपनी स्नोफॉल दिखाई दी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फोर्ड इको स्पोर्ट होती है 4x4, फिर भी काफ़ी अच्छी रिजल्ट्स दे रही थी। तो अभी हम 4x4 हाई पे हैं, लो में अभी ज़रूरत नहीं पड़ी।
ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਉਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ ਜੈਕ ਹੰਡੀ ਨੀਅਰ ਸਿਮਲਾ ਨਾਓ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰੋਸ ਸਿਮਲਾ Everywhere snow. Hello. मतलब गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं, 4x4 चल रही है। भाई दूसरा रास्ता लिया है जो लोकल शिमला का शॉर्टेस्ट रूट है, वहाँ पे स्किड हो रही हैं गाड़ियाँ और बंद हो गया, वो जाम लग गया है। अब बाईपास वाला एरिया ले लिया है, ये नीचे से भी उस पर बर्फ़ भी कम होगी। इस पर भी दिखा रहा है अभी ऐसी गाड़ियाँ खड़ी हैं 1.5-2 किलोमीटर, थोड़ा लंबा है खैर 8 किलोमीटर से, कर क्या सकते हैं। जा रहे हैं बाया संजौली सीधा शिमला बाईपास। गाड़ियां स्किड हो रही हैं, भी जाम लगा हुआ है। कसुमटी है, ये कसुमटी मेरे को लगता है। दोस्तों पहुंच गए शौकी, रास्ते में छोटा सा ब्रेक और एक ब्रेक के चली। दोस्तों सोलन शहर के बीच में से और निक बेकर्स और बड़े बड़े ब्रांड्स का मुआयना कर रहे थे मैं और रमन जी कि सोलन इज़ आल्सो गोइंग टू बी अ ग्रेट हब फॉर हिमाचल। फिलहाल हम गुजर रहे हैं चंडीगढ़ पंचकुला के रास्ते में सोलन से। शिमला आपने देखा होगा,
कि कितना ट्रैफिक जैम था। शिमला में एक्चुअली 4x4 की गाड़ियां कम हैं और बहुत सालों बाद डे टाइम में बर्फ़ पड़ी तो लोग ट्रैफिक जैम में ही फंस गए। ज़्यादा डिटेल में कल ट्रिब्यून में पढ़ेंगे। और अभी सोलन सिटी का लुत्फ़ उठाते हुए फायर एंड आइस, क्या बात है भाई। रॉयल एनफील्ड सोलन में काफ़ी अच्छा बड़ा शोरूम है, तो जो मेरे बुलेट लवर्स हैं, रॉयल एनफील्ड के लवर्स हैं, अगर उनको कोई सर्विस या किसी काइंड ऑफ प्रॉब्लम हो तो दे कैन विजिट ओवर हियर। ये ऑन करने का मकसद ये भी था कि बहुत लोगों ने सोलन वाली टनल नहीं देखी, तो इस बार हमें सोलन की टनल भी दिखाई देगी। सोलन की टनल वापसी में ही दिखाई देती है, जाते हुए हम सिटी के ऊपर से ही हो जाते हैं फ्लाईओवर से। हमारी सोलन सिटी की टनल, हिमाचल इज नाउ सिटी ऑफ टनल्स, चाहे वो मनाली में हो, चाहे वो कुल्लू में हो, चाहे वो सोलन में हो, सामने से आपको दिखाई दे रही होगी छोटी सी टनल है, आई थिंक लेस देन 1 किलोमीटर। दोस्तों ये बताना था, इस टनल के बाहर ना पुलिस वाले खड़े होते हैं, अगर ये नो ओवरटेकिंग जोन है, अगर आप ओवरटेक करते हो तो इसमें कैमरा लगा और इसका चलान हो जाता है। बाणवी टनल है, ओवरटेकिंग नॉट अलाउड। बाणवी टनल है नो डाउट, बट नॉट ओवरटेकिंग, ओवरटेकिंग इज नॉट अलाउड। सोलन शहर पार करने के बाद आया धर्मपुर, पिछला मोड़ था कसौली और कच्छई के लिए, और अब हम वापसी कर रहे हैं चंडीगढ़ पंचकूला की। बहुत अच्छी बारिश हो रही है और होपफुली शिमला और जहां से हम आए हैं नारकंडा वहाँ खूब बर्फ हो रही है। Thank you.
नहीं लग गया। दोस्तों हमारा पहुँचे हैं सनवारा टोल प्लाजा पे और हमारा 479 बैलेंस है और ये इनकी आदत बन गई है, हम हर बंदे को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। शुक्र है जी इन्होंने ब्लैक लिस्ट नहीं किया, पर जाते हुए दोनों टोल प्लाजा पे सनवारा पे भी और अमरावती पे ब्लैक लिस्ट पहले दिखाया, जब झिड़के दी कि यार इसमें 650 बैलेंस है तब इन्होंने ओके कर दिया।